प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसे में जब नाम ही प्रतिभा हो तो क्या कहना। जी हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस में देश में तीसरा स्थान व बालिका वर्ग में देश में पहला स्थान प्राप्त करके सुल्तानपुर जनपद का नाम रोशन करने वाली प्रतिभा की। इस कामयाबी की सूचना परिजनों को लगी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनकी लाडली ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है। सुल्तानपुर जनपद के छोटे से मोहल्ले बाघराजपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लाडली प्रतिभा वर्मा ने आज घोषित सिविल सर्विस के परिणाम में तीसरा स्थान पाया है। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को लगी तो मानो उनके सारे सपने पूरे हो गए। प्रतिभा की कामयाबी की सूचना पर प्रतिभा वर्मा की मां, जो कि प्राइमरी में टीचर हैं, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रतिभा की माताजी की माने तो प्रतिभा बचपन से ही होनहार थी और उन्हें यकीन था कि उनकी बच्ची एक दिन देश की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता पाएगी, और आज बिटिया ने वो करके दिखा दिया। प्रतिभा के पिता सुबंश वर्मा की माने तो बिटिया ने प्रारंभिक पढ़ाई सुल्तानपुर जनपद के एक प्राइवेट स्कूल से की, पर हाईस्कूल की परीक्षा प्रतिभा ने उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया, तभी से एहसास हो गया कि बेटी एक दिन बड़ी परीक्षा में कामयाबी पाएगी, और आज उनकी लाडली कामयाब हो गई। मैंने IAS में टॉप किया, मुझे बहुत ही गर्व है, बहुत ही खुशी है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और हर बच्चे को मैं अपनी तरफ से, ये पढ़ने वाले बच्चे को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से परिश्रम करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैंने अपनी बिटिया को हमेशा से यही सिखाया कि बेटा आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे बच्चों ने, मेरे चार बच्चे हैं, दो लड़के दो लड़कियाँ, ये मेरी तीसरे नंबर की संतान है, और बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है। सारे बच्चे सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, छोटे वाले यही हैं अभी पढ़ रहे हैं, और बाकी तीनों बच्चे सब अच्छी पोस्ट पर हैं, और सब बच्चों ने वैसे ही मेहनत किया। और ये बच्ची तो जी, आपको कैसा ये लगता है कि आगे इस तरीके से लोग आगे? मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा खोजती हूँ, और प्रतिभाएं रहती हैं, प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। एक शिक्षक और एक माता पिता उसको निखारने का काम करते हैं। प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, वो जन्मजात होती हैं उनके अंदर, केवल हमको वो विकास करना रहता है कि सही दिशा निर्देश देना पड़ता है, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे हमारा स्टूडेंट हो। और एक शिक्षक वही करता है अपने स्टूडेंट के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों पेशे से शिक्षक हैं और बहुत ईमानदारी से ही काम करते हैं, और हर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हो, अगर वो आगे जाता है तब भी एक शिक्षक को उतनी ही खुशी मिलती है जितनी आज हमारी बिटिया IAS की परीक्षा में टॉप किया है। अगर मेरा कोई अपना स्टूडेंट टॉप करता तो भी मैं उतनी ही खुश होती, और मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ कि आज मुझे कितना खुशी है। बट ये है कि मैंने ये सपना देखा था कि जो मैं नहीं कर पाई उसको मैं अपने बच्चों में ज़रूर करके दिखाऊंगी, और वो करने का मैंने प्रयास किया, निरंतर लगी रही। मैंने अपने बच्चों का पूरा पूरा सहयोग किया, कभी भी उनकी कोई भी मेरी परेशानी अपने बच्चों के बीच में नहीं आने दिया। मैं उनकी हर परेशानी को एक किनारे करती रही, अपनी परेशानी एक किनारे, उनको मतलब कभी किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं होने दिया। बस आप लोग आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं, और ये हर माता पिता को करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, कभी भी हमें दो भाव नहीं करना चाहिए, उनको एक समान देखना चाहिए, एक समान बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो प्रतिभावान है तो हमें उसके साथ उसका मार्गदर्शन करते हुए हमेशा खड़े रहना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। हमारा यही संदेश है हर माता पिता को और एक बच्चों को कि आप श्रद्धा से और लगन से मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं हमेशा से अपने बच्चों को यही शिक्षा देती रही, और मेरे बच्चे उसका पालन किए। शिक्षा मेरी बिटिया प्रतिभा का लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर से शुरू हुई। कक्षा 5 पास करने के बाद उसका प्रवेश मैंने रामराजी बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में कराया। वहाँ उसने 10 तक पढ़ाई की और कक्षा 10 में UP टॉप किया। UP में उसकी तीसरी पोजीशन रही। इसके पश्चात मैंने उसका एडमिशन KNIC
सुल्तानपुर में कराया, जहाँ से उसने इंटर किया और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटर पास करने के पश्चात ही उसका उसी वर्ष में ही आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और फिर इसके बाद वह आईआईटी दिल्ली से बीटेक पास किया। बीटेक पास करने के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ और उसने एक साल वोडाफोन में मैनेजर पद पर सेवा किया। लेकिन मैं उसको यह प्रेरणा दिया कि मैं जो तुमसे कहता आया हूँ कि तुमको प्राइवेट सेक्टर में सर्विस नहीं करनी है, तुमको आईएएस बनना है, इस मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए उसने फिर आकर के सिविल परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया और वह दिल्ली गई। दिल्ली में एक वर्ष तक श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया, उसमें अध्ययन किया। इसके बाद फिर वह पहली बार में ही मेन परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मेन परीक्षा के बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन दो सर्विस में हुआ, एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ और फिर इसमें सिविल सेवा में वह आईआरएस पद पर सिलेक्शन लिया। दोनों सेवाओं को ज्वाइन करते हुए उसने फिर मुझसे कहा, पापा मुझको एक साल का फिर से अवसर दीजिए और मेरी तमन्ना जो है आईएएस बनने की, मैं अच्छा रैंक ला करके आईएएस बनना चाहती हूँ। मैंने उसको कहा कि जाइए, फिर से एक साल तैयारी कीजिए और आज वह आईएएस बन करके मुझको अति प्रसन्न कर दिया और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हुए मेरी इच्छा की भी पूर्ति किया। मैं अति प्रसन्न हूँ।